लेकर आ गया हूं एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं Realme C3 स्मार्टफोन। Hey, so what's up guys? It's me, your heart technical boy YouTube channel। तो गाइस आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं अपना न्यू स्मार्टफोन जो कि है Realme C3। बहुत दिन से मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता रहा था कि Realme C3 की अनबॉक्सिंग आने वाली है, बट बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। तो चलिए कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए जिससे मेरे सारे अनबॉक्सिंग वीडियोज या अदर टेक्निकल वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं अनबॉक्स Realme C3 को। बॉक्स वेरियंट्स के साथ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चलिए कर लेते हैं Realme C3 को अनबॉक्स। I love everything. Fire getting all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. I love everything. Fire getting all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. C3 का येलो बॉक्स। अगर हम बॉक्स के ऊपर जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड C3 Realme। अगर बॉक्स की साइड में जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है Realme C3, और अगर हम इस साइड में जाएं यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है Realme C3। गाइज यहाँ पर भी वैसे Realme C3 लिखा हुआ है। तो गाइज अगर मैं बॉक्स के पीछे जाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5R मैसिव बैटरी, 5000 AMAH की मैसिव बैटरी है, 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है, हीलियो G70 प्रोसेसर, AI डुअल कैमरा। तो अगर इसके इस साइड में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रियलमी का कुछ लेबलिंग यहाँ पर दी हुई है, मेड इन इंडिया और वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो मैंने इसकी सील पहले ही वहाँ पर खुलवा ली थी क्योंकि मुझे पता लग जाए कि इसमें रियलमी स्मार्टफोन ही है। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं अपने स्मार्टफोन के बॉक्स को। तो गाइस जल्दी से खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। काफ़ी अच्छा गाइस बॉक्स लग रहा है देखने में। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। रियलमी के नीचे ब्रांडिंग भी दी हुई है येलो कलर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कवर होता है, बट इसके अंदर कवर नहीं है, थोड़ा सा पेपर वर्क है। जस्ट नीचे स्मार्टफोन रखा हुआ है। हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, इससे निकाल लेते हैं। मैंने कहा था जैसा वैसा ही है। यहाँ पर पेपर वर्क भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जिसे हम रसीद बोलते हैं आइडेंटिटी, तो वो यहाँ पर दी हुई है और यूज़र मैनुअल भी दी हुआ है। तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है हमारा, देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल। इससे हम लोग अपना सिम ट्रे निकालते हैं, साइड में एक होल होता है उससे हम लोग अपनी सिम ट्रे निकाल लेते हैं होल पर धीरे से दबाकर। थोड़ा सा और पेपर वर्क, टेम्पर्ड ग्लास के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा है मुझे। अब सारे पेपर वर्क को साइड कर देते हैं, स्मार्टफोन थोड़ा सा देख लेते हैं और बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। हमारे स्मार्टफोन हाथों में आ गया मेरे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे हाथों में पकड़ते हुए। नया स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की बात अब हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अब बाकी की चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो रियलमी का ही है। इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर मिला है हमें एक एडाप्टर, 5W का है हमारा एडाप्टर। 5W में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, बट ये आपका 40 से 45 मिनट में फुल फ़ोन चार्ज कर देगा। देख सकते हैं वाइट कलर में, काफ़ी डैशिंग लुक है इसका। इसे रख देते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर USB केबल टाइप सी है। मतलब टाइप सी का क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग इसे किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टाइट सी लगी हुई है इसकी, बहुत ही टाइट है, इसे बाद में निकाला जाएगा। बहुत ही टाइट सील है इसकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टाइप सी ही है। साफ साफ डिब्बे पर भी लिखा होता है। इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं, अब स्मार्टफोन पर आ जाते हैं, स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं, मैंने इसे ऑन कर लिया है।
सब इसके फीचर्स एक एक फीचर एक्सप्लेन करूँगा। एक बात आपको बता देता हूँ कि 4/64 वाला हमारा वेरिएंट है, मतलब 4 GB रैम 64 GB रोम। तो पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डैशिंग लुक दे रहा है हमें, सनशाइन लुक। इसे ओपन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे चलाते हुए स्क्रीन पर आराम से हम लोग चला सकते हैं। इसकी स्क्रीन HD+ स्क्रीन है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है इसे चलाते हुए। सिंपल सा फ़ोन है, आराम से चल रहा है। अगर आप देख सकते हैं फ्रंट स्क्रीन पे, अगर हम इसके कैमरा की बात करें, जो इसका लेंस है ये हमें मिलता है 8 MP का, 8MP का। आप देख सकते हैं ये हमारा लेंस 8 MP का है। काफ़ी मतलब अच्छी इससे फ़ोटोज़ आ जाती हैं, फ़ोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक अच्छा सस्ता फ़ोन और गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन और फ़ोटोग्राफी के लिए भी अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए है। तो ये काफ़ी स्लिम ट्रिम फ़ोन है, आराम से पकड़ने में आसानी रहती है। वेट की अगर बात करें तो काफ़ी सही रह रहा है, इसे पकड़ते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हल्का फ़ोन है। इसके बैक साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 कैमरा, AI डुअल कैमरा, इन्हें हम कहते हैं AI डुअल कैमरा। तो आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट भी हमारी है, 2 कैमरे हैं। यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है, रियलमी। ये रेड कलर है, ब्लेजिंग रेड। पीछे आप अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर है हमारे स्पीकर्स, USB पोर्ट टाइप सी, 3.5 mm जैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्पीकर्स हैं, तो इसमें स्पीकर्स नीचे दिए हैं। ये जो 3.5 mm जैक है तो इसमें हम अपनी ईयरफोन्स लगाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आपको ईयरफोन्स भी नहीं मिलती हैं आज के ज़माने में, ज़्यादातर कोई भी फ़ोन के साथ आपको ईयरफोन नहीं मिल रहे, आपको अलग से लेना पड़ेगा। साइड में बात करें, यहाँ पर है हमारी सिम ट्रे, छोटा सा होल है ये, इसमें हमारा सिम इजेक्टर टूल घुसेगा। ये मेरी सिम ट्रे है। और 2 बटन और देखें तो ये हमारे वॉल्यूम रॉकर बटन्स हैं। वॉल्यूम रॉकर बटन्स का कुछ यह फ़ायदा होता है, मतलब वॉल्यूम रॉकर बटन्स से हम वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। साइड में ये बटन है, पावर बटन है, इससे पावर ऑन ऑफ बटन है, तो इससे फ़ोन ऑन ऑफ होता रहता है जब भी आप करना चाहें। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मुझे लगा है। इसकी प्राइस जो है 10,000 रुपये है, मतलब 9,999 है, 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 रुपये है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, मतलब 10,000 रुपये में इतना अच्छा 4/64 वाला आपको स्मार्टफोन मिल रहा है। तो मैं पीछे से देख लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लुक के प्रोवाइड कर रहा है हमें। आप देख सकते हैं पीछे से तो काफ़ी अच्छा लुक के प्रोवाइड कर रहा है, लग रहा है कि सन रेजेज इधर ही तरफ आ रही हैं, लाइट से होकर पूरे कवर पर सन रेजेज आ रही हैं। मतलब काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मैं इसे चला के ट्राई कर चुका हूँ 2 दिन, तो बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस लगा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसे शेयर कर लूँ। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मुझे लगा है। अगर आप 10,000 में अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, मतलब सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोग ये फ़ोन ले सकते हो गेमिंग फ़ोन के लिए भी, गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है ये। इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो अच्छा स्मार्टफोन है ज़्यादा, मतलब प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है। और इसमें अगर हम फ्री फायर गेम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास फ्री फायर है, अगर आप फ्री फायर के लिए एक अच्छा गेम फ़ोन ढूंढ लो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फ्री फायर मेरे पास है इस टाइम, फ्री फायर इसमें बहुत ही अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। जल्दी से फ्री फायर को खोल लेते हैं और आपको थोड़ा सा चला कर दिखा देते हैं, इस तरह से हम फ्री फायर चला सकते हैं अपना। काफ़ी अच्छा गेम है फ्री फायर, और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है हमारा रियलमी C3, 4/64 GB रैम, 4 GB रोम, 4 GB रैम, 64 GB रोम वाला ये है। तो अभी मैं फ्री फायर आप लोग को प्ले करके दिखाऊंगा कैसा बनता है, मैं फ्री फायर खेलते हुए मतलब बनता काफ़ी सही है। आपको सेटिंग्स में भी जाके मैं दिखा देता हूँ, मतलब सॉरी सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखा तो दूँ पर ज़्यादा ले वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बॉक्स पर ही लिखा होता है 4 GB रैम 64 GB रोम, बहुत ही अच्छा ही चल रहा है। सारी वॉल्यूम हम इसका कम कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है स्मार्टफोन में खेलते हुए। करें ना, फ्री फायर हमारा बहुत सही चलता है, बहुत फास्ट लोडिंग होती है इस पर। देख लेते हैं कितना समय ले रहा है ये, आप देख सकते हैं 4 से 5 सेकेंड में, मतलब मैक्सिमम 7 सेकेंड में आपका स्मार्टफोन खुल जाएगा, अब मतलब फ्री फायर खुल जाएगा। देख सकते हैं फ्री फायर खुल चुका हमारा। अगर मैं फ्री फायर किसमें खेल के दिखाता हूँ तो दिखा देते, देख सकते हैं आप लोग अपने आँखों के सामने कैसा लग रहा है खेलते हुए। ये मेरा कैरेक्टर है, एड्स वेड्स आते रहते हैं थोड़े बहुत यहाँ पर, मतलब सुबह के टाइम में मैच तो मिलेगा नहीं,
लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को मैच लगा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सही चल रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन वर्क करा के कि जो है हमें एक हल्के से क्लिक में ही काम हो जाता है। क्लैश स्क्वाड खेलते हैं, छोटा सा मतलब वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं हो रहा है वीडियो, 11-12 मिनट का हो जाएगा, देखने में प्रॉब्लम भी रहेगी आप लोग को, लेकिन देख लो, स्किप करके भी देख लो, बट देख लो, अगर आप आए हो तो देख लो। तो देख सकते हो मैंने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है, फ्री फायर हमारा लोड नहीं हो रहा है क्योंकि सुबह एक को मैच नहीं मिलते हैं। मेरा गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना जिससे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। गेमिंग चैनल मेरा फीचर्ड चैलेंज में आपको मिल जाएगा। इमोट इमोट भी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फ्री फायर में, जैसा कि मैंने देखा इतनी देर में कोई भी ग्लिच, कोई भी लेट लॉबी और कोई भी 999 प्लस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। हटा देते हैं, फ्री फायर मैच नहीं मिल रहा है। ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो, कैसी लग रही वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए जैसे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। कैमरा क्वालिटी की बात जैसे मैं बता रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने एक पिक्चर ली है साइड में, आपको शोर ही होगी, इसी से मैंने वो पिक्चर ली है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है वो, मतलब काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है इसकी, मतलब बहुत हद तक इम्प्रूवड है। अगर आप ढूंढ रहे हो एक अच्छा सस्ता स्मार्टफोन तो ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कैमरा क्वालिटी भी मतलब अच्छी है, मतलब हम बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बट अच्छी है, हल्का सा भी टच करने में चल रहा है स्मार्टफोन। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा दोनों 12 MP के हैं। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और मैं एक बात बताना भूल गया कि अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो स्मार्टफोन लेने से पहले आपको स्मार्टफोन के लिए कवर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप सभी देख रहे हो ये मैंने कवर ले लिया है। तो गाइस इसके कवर आसानी से नहीं मिलते हैं तो मैंने ये कवर ले लिया है इसके लिए। मतलब स्मार्टफोन तो हमें कहीं भी शॉप पर मिल जाएगा बट कवर मिलना मुश्किल रहता है, तो ये कवर काफ़ी अच्छा बैठ रहा है इसमें। आईफोन 11 प्रो लग रहा है, आप देख सकते हो एकदम पीछे से, अगर कोई दूर से देखेगा जस्ट आईफोन का लुक दे रहा है ये, मतलब आईफोन तो अलग ही बात है उसकी, मतलब ऐसे ही अच्छा सा लुक दे रहा है ये, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टेक न्यूज़ के साथ या अगली किसी भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।